こんにちは。今日の単語は違うになります。違うの意味は、キスジスコバーダーからな、スウェルからな、 to take an oath、pledge からな、やに、जब प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान का कोई या इंडिया का या किसी भी मुल्क का, तो वो जो है जो उस मुल्क का रिलीजन होता है या बुक होती है उस पर हाथ रख कर ओथ लेते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या फिर किसी केस के अंदर इस तरीके से, ये है मतलब। या फिर शादी के अंदर, जब शादी होती है तो जो कपल होता है वो एक दूसरे को कन्फेस करता है, ओथ लेते हैं कि कबूल है ये वो, ठीक है। तो चिकाओ का मतलब ये है, इस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी से शादी करनी हो, तो ये इस वक्त इस्तेमाल हो सकता है। आई ओ चिकाओ, ची, अच्छा चिगाओ, चिगाओ का मतलब होता है डिफरेंट, यानी अगर कोई आप चिगाओ और चिकाओ में डिफरेंस है, चिकाओ ची गाओ, चिगाओ का मतलब अलग, ठीक है, यानी चिगाओ चिगाओ सृजन है, यानी नहीं नहीं वो नहीं है। ची का उ का मतलब है जो मैंने बताया अभी, आई ओ चिकाओ, चिकाओ। आई का मतलब प्यार, मोहब्बत, लव। ओ चिकाओ यानी प्यार को, प्यार की ओथ लेना, प्यार को स्वेयर करना। आई ओ चिकाओ यानी अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको आप कन्फेस करते हैं या स्वेयर करते हैं उस मोहब्बत की, तो इसका मतलब वो है, गहरे मीनिंग है। खामीनी चिकाओ, खुदा की कसम, दैट्स द थिंग ब्रो, खुदा की कसम बोलते हैं, खुदा की कसम यार वो नहीं करना, तो ये वो है जैपनीज का, खामीनी चिकाओ और उसो इतना ही हो। खामीनी चिकाओ, इट कुड बी यूज एज स्लैंग, लेकिन आई हैव नेवर सीन के लोग ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी इतना ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इट्स अ गुड स्लैंग, खामी नी चिका और सो इतना ही हो, माँ जी दे वताशिता चिवा खेकोन शिकी दे ए एन नो आई ओ चिकाता। वताशिता चिका मतलब हम लोग, खेकोन शिकी का मतलब शादी, शादी ब्याह, और खेकोन शिकी वताशिता ची का मतलब हम लोग, और वा जो है वो पार्टिकल है, और खेकोन शिकी का मतलब शादी ब्याह, और दे का मतलब यानी पार्टिकल है। ए एन का मतलब है इटर्निटी, यानी हमेशा, हमेशा के लिए। ए ए नो आई यानी जिंदगी भर, मतलब मरने के बाद भी इस मोहब्बत की कसम खाते हैं। ओ चिकाता, गहरी बात कर रहे हैं यार। वताशिता चिवा केकोन शिकी दे ए ए नो आई ओ चिकाता, हम लोग मतलब दो लोग, सब नहीं, शादी ब्याह के अंदर हमेशा के लिए, हमेशा 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 के लिए उस प्यार को, उस प्यार की कसम खा रहे, यानी वी टोक वोज ऑफ लव एट हर वेडिंग। जैपनीज के अंदर इस सेंटेंस का बहुत गहरा मीनिंग है, वताशिता चिवा, अगर आप किसी जापानी से शादी करना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं, मतलब शादी के वक्त, पहले बोलेंगे तो दो हाथ पड़ेंगे, वताशिता चिवा, वताशिता चिवा, वताशिता चिवा केकोन शिकी दे ए ए नो आई ओ, अच्छा प्यार को ओ, यहाँ पर पार्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, आई ओ चिकाता, वताशिता चिवा केकोन शिकी दे केकोन शिकी। कुछ लोग बोलते हैं शेकी, शेकी नहीं है, शिकी है, शिकी 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 शकला का बुम बुम, शिकी है शिकी। वताशिता चिवा केकोन शिकी, केकोन शेकी नहीं है ना, शका शका लका बूम बूम है, शिकी है। वताशिता चिवा केकोन शिकी दे ए ए नो आई ओ चिकाता। तो ये है वर्ड आज का, चिकाऊ।
कोई मुश्किल नहीं है, आसान वर्ड है और मज़े का वर्ड है यूज़ करने में। आप जोक्स वगैरह बना सकते हैं इस वर्ड के थ्रू। वतशी ता जीवा खेक कौन शी की रे, ए एन का मतलब बड़ा गहरा मतलब है। ए एन का मतलब यानी हमेशा के लिए। जो यहाँ पर एन की जो खांजी है वो उसका मतलब डिस्टेंस की खांजी है, यानी बहुत दूर। थोई थोई की खांजी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर। तो थोई का मतलब होता है दूर, फार फार अवे। सो इटर्निटी का मतलब यानी हमेशा के लिए। ए नो, यहाँ पर देखिए नो इस्तेमाल हो रहा है पार्टिकल, तो वो यानी लव फॉर इटर्निटी, यानी ए एन की मोहब्बत। ए एन यानी हमेशा की मोहब्बत, फॉर एवर लव। ए एन नो लव फॉर एवर, फॉर एवर लव। नहीं, असल में मैं बहुत सारी जबानें एक साथ दिमाग के अंदर चल रही तो आगे पीछे जाते हैं, नाउन्स और वर्ब्स एक साथ ही रहते हैं। अच्छा, ए एन नो आई ओ की कत्ता। वतशी ता चीवा खे कौन सी की, वतशी ता चीवा खे कौन सी की दे, ए एन नो आई ओ ची कत्ता। वतशी ता चीवा खे कौन सी की दे, ए एन नो आई ओ ची कत्ता। एक और दफा, लास्ट दफा प्रैक्टिस करते हैं। वतशी ता चीवा ए एन नो, नहीं, वतशी ता चीवा खे कौन सी की दे, ए एन नो आई ओ चिकाता। परफेक्ट, रोमांटिक अंदाज के अंदर बोलते हैं वतशिता चीवा। मुझे नहीं आता, चलो ट्राई करते हैं। वतशिता चीवा के कौन सी की दे, ए नो आई ओ चिकाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ग्रामर और ये सारा चीज। एंड आज का वर्ड था हमारे पास चिकाऊ। इजी मीनिंग है यानी स्वेयर करना, किसी चीज की कसम खाना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, और अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती रिवाइंड करके फिर से वीडियो देखेंगे तो समझ आएगी। क्यों नहीं आएगी समझ, लाजमी आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है, अगर डर लग रहा है जब अपनी सीखनी नहीं आ रही तो अगर 10 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो दिमाग के अंदर रह जाएगी चीज़। तो रेन शू शुरू हिट्स योर गाड़ी मस, रेन शू शुरू हिट्स योर गाड़ी मस का मतलब है कि प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं चलते चलते अगले जन्म के अंदर। अल्लाह हाफिज़।